गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक विद स्वाति में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस यूआई टेस्टिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों यूज होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एपीआई एक्सप्रेसो के एपीआई कंपोनेंट्स क्या हैं और एक्सप्रेसो के लिए फर्स्टली हमारे सिस्टम में क्या चीज़ें इंस्टॉल होनी ज़रूरी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपीआई कंपोनेंट्स में मेनली जो होते हैं, ये हमारे तीन मेथड यूज होते हैं, व्यू मैचर, व्यू एक्शन एंड व्यू असर्शन। व्यू मैचर्स क्या होता है? व्यू मैचर एक्सप्रेसो लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो एंड्रॉइड यूआई टेस्टिंग फ्रेमवर्क का पार्ट है। व्यू मैचर्स का यूज हम यूआई एलिमेंट को आइडेंटिफाई और इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन का यूआई कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं, तो व्यू मैचर्स का यूज मेनली एक्सप्रेसो टेस्ट करने के लिए ऑन व्यू मेथड का यूज उसके साथ में करते हैं। फिर आता है हमारा व्यू एक्शन। व्यू एक्शन भी हमारा जो एक्सप्रेसो लाइब्रेरी है उसका पार्ट है। उसके यूज हम यूआई एलिमेंट के ऊपर वेरियस एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। जब आप एक्सप्रेसो में कोई टेस्ट केस राइट करते हो तो उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए हम व्यू एक्शन का यूज करते हैं। व्यू असर्शन थर्ड वन है हमारा। व्यू असर्शन एक्सप्रेसो टेस्टिंग फ्रेमवर्क का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आप यूआई टेस्ट के लिए असर्शन या वेरिफिकेशन करते हैं, तो जब आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि किसी बटन पर क्लिक करना हो, तो आप उस एक्शन के बाद यूआई पर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उस चेंजेस को हम व्यू असर्शन के थ्रू कर सकते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सप्रेसो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। एक्सप्रेसो आर एंट्री पॉइंट टू इंटरेक्शन विद व्यू और वाया ऑन व्यू एंड ऑन डेटा। ऑल्सो एक्सप्रेस एपीआई दैट आर नॉट नेसेसरली ट्राइड टू एनी व्यू सच एज प्रेस बैक। व्यू मैचर्स ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स that implement the matcher super view interface. You can pass one or more of these to the on view method to locate a view within the currently view hierarchy. View action of view action object that can be passed to the view interaction perform method such as click. View assertion, a collection of view assertion object that can be passed the view interaction check method. Most of the time you will use the matchers assertion which use a view matcher to assert the state of the currently selected view. Ye example hai on view with id or id add एक्सपेंस। यहाँ पर हम जिस भी टैक्स या बटन की आईडी होगी उस आईडी को रखते हैं जो मैच करते हैं। परफॉर्म क्लिक चेक मैचेस विद इन द टैक्स। एक्सप्रेसो सेटअप इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें सबसे पहले जावा इंस्टॉल करनी होती है और एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना होता है। जब तक हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं होगी और एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल होगा, तो अब तक हम एक्सप्रेसो यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे।
सो फर्स्टली हमें जावा इंस्टॉल करनी है, सेकंड वन इज एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है. आफ्टर दैट एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल देन हमें ग्रेडल डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है एक्सप्रेसो की. और जब ग्रेडल डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती हैं तो एक्सप्रेसो टेस्ट कोड या स्क्रिप्ट लिखनी होती है किसी भी मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए. देन उसके बाद में हम उस टेस्ट स्क्रिप्ट को रन करते हैं. सो ये मेनली 5 कंपोनेंट हैं जो हम मेनली हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक्सप्रेसो यूआई ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में. सो हम फर्स्टली हमें क्या करना है, जावा इंस्टॉल करनी है. सो जावा ये इंस्टॉल करने का प्रोसेस जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू गाइज़.